Yes. Today we will start chapter number 9, heredity and evolution. Okay, दोनों टर्म आपके लिए नए नहीं है. हेरिडिटी से भी आप बहुत अच्छे से अवेयर हो और इवोल्यूशन भी हम अपने लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए. देखो, हेरिडिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. एंड इवोल्यूशन, यस, जब वैल्यूएशन अक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, जगह इकट्ठा होने लगते हैं जनरेशन टू जनरेशन, देन दे आर कन्वर्ट इन टू इवोल्यूशन. ओके, सो एक चीज है, एक तो हेरिडिटी एक टर्म है, और उसके अलावा एक टर्म और आता है इनहेरिटेंस. डू यू एवर हियर द टर्म इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस सुना है कभी नाम इनहेरिटेंस? क्या होता है इनहेरिटेंस? Yes. देखो, इस टाइम आवाज आपकी सही नहीं आ रही है मुझ तक. तो देखो, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस दोनों सिमिलर है ऑलमोस्ट, बट डिफरेंस क्या है? हेरिडिटी का मतलब तो क्या है? हेरिडिटी फिनोमेना है, एक फिनोमेना है, एक कह सकते हो आप एक इवेंट है. ओके, हेरिडिटी एक इवेंट है जिसमें, जिस इवेंट में पेरेंट्स के कैरेक्टर्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं? ऑफस्प्रिंग में. और ध्यान दो, उस इवेंट के अंदर जो प्रोसेस होते हैं ना हेरिडिटी की, हेरिडिटी इवेंट में जो प्रोसेस हो रहे हैं उस प्रोसेस को नाम देते हैं इनहेरिटेंस. ओके, अगर आपसे हेरिडिटी पूछे तो आप कहोगे हेरिडिटी इज अ फिनोमेना इन विच कैरेक्टर्स ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. और अगर आपसे पूछे कि इनहेरिटेंस क्या है तो आप इनहेरिटेंस का भी सेम डेफिनेशन दोगे, बट आप क्या लिखोगे? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस. इनहेरिटेंस क्या है? प्रोसेस है, जबकि हेरिडिटी क्या है? घटना है, एक इवेंट है, एक फेनोमेना है. क्लियर हुआ ये चीज? ओके, सो आप इनहेरिटेंस वर्ड भी सुनोगे अपने चैप्टर में, हेरिडिटी भी सुनोगे, और इवोल्यूशन टर्म से भी आप बहुत अच्छे से अवेयर होंगे यहाँ पर. ओके, तो हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जिन्हें पहले क्लियर करेंगे. सबसे पहले हम हेरिडिटी का डेफिनेशन लिखेंगे. हेरिडिटी, Heredity is the phenomena. Spelling सभी जानते हो phenomena की? Phenomena means event, कोई किसी चीज का होना. Heredity is the phenomena of transfer. Phenomena of transfer of characters. Of characters. Characters तक पहुंच गए आप. कैरेक्टर्स के लिए एक नया टर्म और देखोगे आप इस पर, ट्रेड्स. सुना है कभी नाम ट्रेड्स? यस, ब्रैकेट में लिख लो ट्रेड्स. कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. क्लियर? ओके, अब ऐसे में हम इनहेरिटेंस को भी डिफाइन करेंगे. इनहेरिटेंस, inheritance, it is the process. अब inheritance क्या है? एक पूरी process है. कैसे transfer होते हैं वो सारी process है. It is the process of transmission of characters from parents to offspring. Transmission of characters from parents to their offspring. Clear, girls? Yes. Okay, so heredity में हमने दो टर्म डिफ्रेंशिएट किए, दो टर्म्स की डेफिनेशन हमने देखी, heredity और inheritance. दोनों सेम है, बट एक क्या है? फिनोमेना है, इवेंट है, और एक प्रोसेस है, उस इवेंट का पूरा प्रोसेस है. नाउ अब बात करेंगे वेरिएशन की. वेरिएशन, वेरिएशन आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़कर आए हो. वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू द डीएनए कॉपिंग. जब डीएनए का कॉपी हो रहा होता है तो उस टाइम पर कुछ वेरिएशंस होते हैं, और वो वेरिएशंस ध्यान देना, या तो नेक्स्ट जिस जनरेशन को बनाने के लिए डीएनए कॉपिंग हो रही है उसी में आपको दिखाई दे जाएगा. नहीं दिखाई देता है तो वो अक्यूमुलेट होते हैं, जमा होते रहते हैं
जनरेशन टू जनरेशन वो जमा होते रहते हैं, और एक नई जनरेशन के बाद मान लो 4-5 जनरेशन तक वेरिएशन 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 जमा होते रहे, और जमा होने के बाद एक 4-5 जनरेशन के बाद वो हमें एक नए कैरेक्टर एक नई स्पीसी के फॉर्म में नजर आएंगे, इसे हम इवोल्यूशन नाम देते हैं। ओके, सो वेरिएशन का डेफिनेशन याद लिख लो, वेरिएशन differences which arises in the offspring, which arises in the offspring during the process of gene transfer. Gene transfer समझते हो? What are genes? Genes are nothing but the part of DNA. जो आप DNA पढ़ते हो ना, उस DNA का ही एक part, पूरा जो complete double helix DNA होता है, उस DNA का ही एक टुकड़ा, एक part, एक segment gene कहलाता है, okay? और हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है हर एक कैरेक्टर के लिए। जैसे आपका कैरेक्टर है आपकी हाइट, आपका हेयर कलर, आपका स्किन कलर, तो हर एक कैरेक्टर के लिए हर एक ट्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डिफरेंट जीन रिस्पॉन्सिबल है। ओके, हेयर कलर डिटरमाइन करने वाले जीन अलग है, आपका हाइट डिटरमाइन करने वाले जीन अलग है। ओके, तो यही जीन है जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स के लिए। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है, आपके हेयर के कलर ट्रांसफर हो रहे हैं या आपके स्किन का कलर ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर क्या होता है? जीन ट्रांसफर होते हैं, और हर एक जीन रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, तो वो अपने साथ अपना कैरेक्टर भी लेकर जाता है। तो आप जीन ट्रांसफर कहो या कैरेक्टर ट्रांसफर कहो, बॉथ विल बी सिमिलर। ओके, सो हमने यहाँ वेरिएशन देखा, डिफरेंस अराइजेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर। ये जो जीन ट्रांसफर हो रहा है, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगला स्टेटमेंट लिखो वेरिएशन में, variations may be due to genetic difference or may be due to environmental factor. Clear हुआ? ठीक है, ये जो वेरिएशंस आ रहे हैं कैरेक्टर में, इसके दो फैक्टर इन्होंने बता दिए। पहला तो क्या है? जेनेटिक डिफरेंस तो होगा ना, मदर के जीन अलग है, फादर के जीन अलग है, जेनेटिक डिफरेंस है, तो उस वजह से हो सकता है, या फिर एनवायरमेंट भी अफेक्ट करता है हमारे जीन ट्रांसफर को। ओके, क्लियर हुआ वेरिएशन? नाउ अब बात करेंगे इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, इस वेरिएशन को ही हम इवोल्यूशन कहेंगे आगे जाकर। Evolution में लिखो, it is the process by which a new living organism is developed. From an older organism gradually. What is the meaning of gradually? Step by step. ऐसा नहीं कि आज फादर कैसा था और जब उसका बेटा हुआ तो वो डिफरेंट हो गया। स्टेप बाय स्टेप वेरिएशन आएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और एक बहुत लंबा टाइम लगता है इवोल्यूशन के लिए। हम एक एग्जाम्पल है ना इवोल्यूशन के, ठीक है? ऐसा नहीं था कि हम रात को सोए थे तो हम मंकी थे, सुबह उठे तो हम ह्यूमन बीइंग बन गए। ओके, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली ये इवोल्यूशन हुआ है। हैव यू राइट डाउन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? गुड, क्लियर? सो टर्म्स क्लियर हुए आपके, वेरिएशन इवोल्यूशन। अब हम जीन के बारे में देखेंगे, जीन क्या है। राइट डाउन द न्यू टर्म जीन। जीन, अभी जो आप हेरिडिटी पढ़ रहे हो ना, इस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपके जीन है। तो हम कहेंगे जीन आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। राइट डाउन,
जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स मेडअप ऑफ डीएनए। जीन से डीएनए बनाया, उन्हीं से जीन बने होते हैं। जीन्स आर मेडअप ऑफ डीएनए। अगला स्टेटमेंट लिखो, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। क्लियर है ना ये चीज? तो जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हो तभी आप समझ जाते हो कहाँ मिलते हैं क्रोमोसोम्स सेल में। न्यूक्लियस में होते हैं ना, सेल का जो मिडिल पार्ट है न्यूक्लियस, वहां क्या मिलता है आपको? क्रोमोसोम, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और उन क्रोमोसोम्स पर ही क्या मिलेंगे आपको? जीन मिलेंगे। क्लियर गर्ल्स? ओके, नाउ अब बात करेंगे, आपकी बुक में एक नया हेडिंग है, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक्युमुलेशन यानी जमा होना, एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन, ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये यही चीज कह रहे हैं इन्होंने, आपको वेरिएशन बता दिया कि वेरिएशन होता है, और ये भी बता रहे हैं कि वेरिएशन एक जनरेशन में हो गया तो वो वेरिएशन खत्म नहीं होगा, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होता रहेगा? एक्यूमुलेट होता रहेगा, जमा होता रहेगा। एक बार एक वेरिएशन हुआ, उसके जनरेशन से नई जनरेशन बनी उसमें कुछ वेरिएशन हुआ, फिर नई से नई बनी उसमें कुछ वेरिएशन हुआ। इस तरह वेरिएशन क्या होते रहते हैं? इकट्ठे होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि एक नया इंडिविजुअल हमें नजर आता है, which is called evolution. So, लिखना स्टार्ट करेंगे, the variation during gene transfer, the variation during gene transfer get accumulated और कहाँ accumulate होंगे? organism में होंगे, get accumulated in an organism over a long period of time, लंबे time तक वो जमा होते रहते हैं, over a long period of time, and due to this accumulation due to this accumulation, organism start to show different characters which leads To develop a new species. समझ में आई ये चीज? ओके, वेरिएशन क्या होते रहते हैं? जमा होते रहते हैं, और उनके इस एक्यूमुलेशन की वजह से ही एक टाइम ऐसा आता है जब ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? एक नई स्पीसी लगती है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल अलग जाति का है, एक नई स्पीसी है। ओके, इसी में अगला स्टेटमेंट लिखो, The organism which show positive variation, they survive. Variation. Yes, girls, tell me, positive variation means? Yes, positive. जो उनके लिए जरूरी है, वेरिएशंस काफी सारे होते हैं, ऐसा नहीं कि जीन हमारे भले के लिए ही काम कर रहे हैं, वो नेगेटिव वेरिएशन भी शो करते हैं, कभी कभी जीन हमें ऐसा बना देते हैं कि हम थोड़े बहुत टेम्परेचर को भी नहीं सहन कर पाते, कभी जीन हमें इतना ज्यादा एनर्जेटिक बना देते हैं कि हम हाई टेम्परेचर भी सहन कर लेते हैं, ठीक है? तो कुछ वेरिएशंस, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमारे लिए पॉजिटिव है, ओके, यानी जिन्हें हम पॉजिटिवली लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी है, तो वही वेरिएशन वाले जो
आपके कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ वही सर्वाइव करते हैं। ओके, जैसे कि हमने जब रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लिया था। कुछ बैक्टीरिया थे जो सडन एकदम चेंज देखा गया कि टेम्परेचर, पानी के टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, फिर भी वो ग्रो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो वेरिएटेड फॉर्म होकर बने। और कैसे वेरिएशन लिया था उन्होंने? ऑलरेडी वेरिएशन लिया था, इसीलिए उनकी प्रजाति खत्म नहीं हुई है, वो आगे से कंटिन्यू बनी हुई है। क्लियर है ना ये चीज़? ओके, सो ये तो कन्फर्म है कि ये जो वेरिएशन हो रहे हैं वो एक्यूमुलेटेड होते हैं। एक जीन आपसे आपके बच्चों में, आपके बच्चों से उनके बच्चों में रेगुलर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्यूमुलेटेड हो रहे हैं। ओके, और आगे जाकर एक बहुत बड़ा ये वेरिएशन करने वाले हैं, उसे ही हम क्या नाम देते हैं? इवोल्यूशन नाम देते हैं। क्लियर? सो दैट्स एनफ फॉर टुडे। आप देखो मेंडल का, अगर आपने नाम सुना हो, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पी प्लांट पर, मटर के पौधों पर रिसर्च किया था और हमें कुछ हेरिडिटी के रूल्स दिए थे, लॉ दिए थे। आपको ये तो पता है कि हेरिडिटी का मतलब है कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, मगर हर एक चीज़ साइंटिफिक तरीके से होती है। कुछ पर्टिकुलर लॉ है हेरिडिटी के जिन्हें फॉलो करता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो वो लॉ किसने दिए थे? मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेंडल के लॉ से रिलेटेड ही है, जिसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके गर्ल्स, दैट्स एनफ फॉर टुडे।